नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों मनी एंड बैंकिंग। एक्चुअल में ये दो चैप्टर का सम है, मनी अलग है और बैंकिंग अलग है। ये टोटल हमारे पास बोर्ड में 6 मार्क्स का आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे छोटा चैप्टर है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम लोग सबसे पहले मनी के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन मनी के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मनी क्यों आई, मनी से पहले कैसे ट्रांजेक्शन को सेटल करा जाता था। तो हमारा इस चैप्टर का जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है बार्टर सिस्टम। आप लोग बार्टर सिस्टम से बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में 10th में भी इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ रखा है। वो सिस्टम जिसमें कॉमोडिटीज को कॉमोडिटीज के बदले में एक्सचेंज करा जाता था, उसी का नाम है बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक इंसान दूसरे इंसान से जब कोई भी ट्रांजेक्शन करता तो लोग आपस में गुड्स को आपस में एक्सचेंज करते थे, कॉमोडिटीज को आपस में एक्सचेंज करते थे। इसलिए इस सिस्टम को हम लोग कॉमोडिटी एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं और जो इकोनॉमी उस टाइम हमारी चलती थी उसको हम लोग कॉमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी जानते थे। काफी पुरानी बात है। ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को खत्म करा था और हमारे इंडिया में मनी को इंट्रोड्यूस करा था, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अब मनी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका एक रीजन था, या हमारे देश में मनी की जरूरत इसलिए थी क्योंकि बार्टर्स की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सबसे पहले हम इन लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी शॉर्ट में। सबसे पहले लिमिटेशन का नाम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में रहती है कि डबल कोइंसिडेंस चाहिए। डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि जो ए को चाहिए वो बी के पास है और जो बी को चाहिए वो ए के पास है, तभी इन दोनों के बीच की जो ट्रांजेक्शन है वो हो पाएगी, नहीं तो ट्रांजेक्शन सस्पेंड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, होने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा अगर ए बी से ट्रांजेक्शन नहीं करता, जो ए को सामान चाहिए वो बी के पास नहीं है, तो ए किसी और को ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा जिसके पास वो सामान हो जो ए को चाहिए, और बदले में वो ए वाला सामान लेके ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए तैयार हो। जब तक ऐसा इंसान ना मिले तब तक घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर सर्च करना पड़ता था, वो इंसान जो आपके गुड्स लेकर बदले में अपने गुड्स दे दे और आप उन गुड्स को अपनी इच्छा से उन गुड्स को एक्सेप्ट कर पाए और वो इंसान भी आपके गुड्स अपनी इच्छा से ले ले। जब तक नहीं मिलता तब तक ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। इसी का नाम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि ऐसा इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है जिसका नाम है दोस्तों लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई मेजर ही नहीं था किसी चीज को नापने का। मतलब कहने वाली बात है कि कॉमोडिटीज तो बहुत सारी है हमारे पास, मैं ये नहीं कह सकता उस टाइम, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर एक तरीके से मेजर की यूनिट भी कुछ नहीं थी, किलोग्राम वगैरह कुछ नहीं था। तो लोग जो है हम मान के चलते हैं कि सपोज हम लोग एक मुट्ठी से जो है वीट और राइस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक मुट्ठी वीट की कीमत और एक मुट्ठी राइस की कीमत या एक मुट्ठी वीट और एक मुट्ठी राइस की वैल्यू सेम होने वाली नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर बाय चांस मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल उसको क्लियर करने के लिए कि मैं एक मुट्ठी गेहूं को एक मुट्ठी सोने के साथ एक्सचेंज कर नहीं सकता, गोल्ड के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, दोनों की वैल्यू में जमीन और आसमान का फर्क है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल भी। कौन बताएगा कि वेट की वैल्यू और गोल्ड की वैल्यू सेम होने वाली नहीं है, और इनको मेजर किस पैरामीटर पे करा जाएगा, कैसे मेजर करा जाएगा, इसके कोई प्रमाण नहीं थे, कोई गारंटी नहीं थी, कोई कंसेप्ट नहीं था इसको मेजर करने के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते थे हम लोग बार्टर सिस्टम में। अगले का नाम हमारे पास है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, वो ट्रांजेक्शंस जो हमें फ्यूचर में सेटल करनी है, जो ट्रांजेक्शन हम उधार के बेसिस पे करते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों हमारे पास डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि फ्यूचर में उसको सेटल कर पाना बहुत मुश्किल था। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर लिया करता हूँ। सपोज आपने किसी से जो है कुछ क्वांटिटी में जामुन ले लिए, या कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी ले ली या कोई भी फ्रूट ले लिया आपने, सीजनल फ्रूट ले लिया, और आपको उसको 6 महीने बाद या 7 महीने बाद 8 महीने बाद इंटरेस्ट समेत, इंटरेस्ट मीन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रूट के साथ, उसी वाले एक्स्ट्रा फ्रूट के साथ वापस करना है। अगर बाय चांस 7 महीने के बाद वो फ्रूट ना आया सीजनल फैक्टर की वजह से, तो आप उसको वापस कर पाने वाले नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरे साल का। चलिए मान लेते पूरे साल के बाद आप उसको देने भी जाते हैं कि लीजिए, तो वो इंसान जरूर ये कहेगा कि जब मैंने दिए थे वो ज्यादा मीठे थे, जो आप लेकर आए वो अच्छे नहीं है, गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना सकता है।
तो डेफर्ड पेमेंट्स उधार वाली ट्रांजेक्शंस को कॉमोडिटीज में सेटल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को अपनी कॉमोडिटी अच्छी लगती है, दूसरे की कॉमोडिटी किसी को अच्छी नहीं लगती। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें रहती थी। अगले का नाम है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बाटा सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकता था। चीज़ों को स्टोर करके रखूंगा बाटा सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमोडिटीज़ को, तो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएगी। वीट है, राइस है, फ्रूट्स हैं, ये चीज़ें सारी की सारी हमारी पेरिशेबल है, कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती है, ये ड्यूरेबल है ही नहीं, लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है। तो मैं वेल्थ को, अपनी जो जायदाद है बेसिकली, धन दौलत है, उसको स्टोर करके नहीं रख सकता। ग्रेन्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, इन सब चीज़ें की फॉर्म में इसको स्टोर करके रखा ही नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाटा सिस्टम में। और लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है जिसका नाम है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कि बाटा सिस्टम में डिविजिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं चीज़ों को बांट नहीं सकता था बिना उनकी वैल्यू को रिड्यूस करे। एग्जाम्पल, अगर मैं एक हॉर्स को एक शीप के साथ एक्सचेंज करता हूँ, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो जो शीप है वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्स के 1/4 पार्ट के इक्वल है, लेकिन कोई भी इंसान अपने हॉर्स को 1/4 काट के नहीं देने वाला शीप के बदले में, क्योंकि हॉर्स की वैल्यू नील हो जाएगी। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हॉर्स को जो है छोटे छोटे चार हॉर्सेस बना दूँ और एक्सचेंज करूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो बार्टर सिस्टम में चलती थी। अब हम जानेंगे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को मनी ने कैसे हटाया। तो दोस्तों, मनी का मीनिंग लिखा गया है बहुत ही शानदार तरीके से। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वही है जो मनी करती है, मनी वही है जो मनी करती है, मनी क्या करती है। मनी की डेफिनेशंस के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, बहुत अच्छी लिखी गई है, कि मनी एज अ मेजर हैव फंक्शन फोर, मनी एज अ मेजर हैव फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मनी एज अ मेजर हैव फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। कमाल का शायरी होगी। तो भाई, तो मनी ये यही हमारे फंक्शन है, कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वैल्यू है मेजर का, स्टैंडर्ड है, आप इसको जितना मर्जी स्टोर करके रख सकते हो, स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट का, आराम से क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें सेटल करो और स्टोर करके भी रखी जा सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हमने बाटा की लिमिटेशंस पढ़ी थी उसी को हमने मोल्ड करके मनी के फंक्शंस में कन्वर्ट करा। मनी के दोस्तों हमारे पास दो फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, मनी के प्राइमरी फंक्शन में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है जिसका नाम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सबसे अच्छा मीडियम है एक्सचेंज का, मनी से अच्छा मीडियम है ही नहीं एक्सचेंज का। आज आप किसी इंसान से कुछ भी ले लीजिए, कोई सामान, कोई गुड, कोई सभी जो मर्जी ले लीजिए, बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देनी है, मनी। आपको डबल कॉन्सिडेंस की जरूरत ही नहीं है, आप सिंगल कॉन्सिडेंस है, सिंगल कॉन्सिडेंस भी छोड़िए, आपको कोई कॉन्सिडेंस चाहिए ही नहीं। हर इंसान को हर सामान के बदले में सिर्फ क्या चाहिए, पैसा, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा, कुछ और नहीं चाहिए। तो मनी ने डबल कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ हर इंसान को क्या चाहिए, पैसा। दूसरा पॉइंट हमारे दोस्तों आते हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको मैं यूनिट ऑफ अकाउंट भी कह के चलता हूँ, कि दुनिया में हर एक चीज़ की वैल्यू को मैं मनी की टर्म में मेजर कर सकता हूँ। आप दूध ले लीजिए, आप गेहूं ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, आप कार ले लीजिए, आप स्कूटर ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हर चीज़ की वैल्यू है, इवन इंसान की भी वैल्यू। आप खरीदने वाले तो बनिए, बहुत बिकते हैं, तो हर चीज़ को हम लोग मनी की टर्म में जो है फिक्स कर सकते हैं, मनी की टर्म में उसकी वैल्यू रख सकते हैं। आप बस लेने वाले बनिए, इवन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग भी सिर्फ वही ट्रांजेक्शन नोट करी जाएंगी जिनका रिलेशन मनी के साथ है, बाकी ट्रांजेक्शन नोट होने वाली नहीं है, पैसा नोट करा जाएगा, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। सेकेंडरी फंक्शन में जाऊँ, तो सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं मनी के अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को सेटल कर पाना पॉसिबल है, क्योंकि जो मनी की अवेलेबिलिटी है इकोनॉमी के अंदर वो सीजन टू सीजन वैरी नहीं करती। मनी इज नॉट अ सीजनल फैक्टर, मनी अवेलेबल है, आप मेहनत करिए आप उसे कमा सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ टाइम के बाद पेड़ पे पैसे आएंगे, हम उसमें से तोड़ेंगे और दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करके मनी को कमा के इंटरेस्ट हमें चुकाना चाहें तो चुका सकते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म में सेटल करना आसान है। और लास्ट पॉइंट हमारे इसमें है हमारे पास जिसका नाम है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप मनी को जितना स्टोर कर रखना चाहे कर सकते हैं, लोग स्टोर करते भी है, किसी ने जो है बाथरूम की टाइलों के पीछे छुपा रखी है बहुत सारी मनी, किसी ने पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी बनवा रखी है स्टोर करने के लिए, बहुत तरीके हैं स्टोर करने के, आप अच्छे जानते हैं। ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन टाइम पे काफ़ी नोट पड़े गए थे। तो वेल्थ को हम लोग मनी की टर्म में बहुत आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, और मनी की वैल्यू टाइम के साथ साथ खराब भी नहीं होती। अगर आज से 20 साल पुराना मेरे पास 100 का नोट है तो उसकी वैल्यू आज भी 100 है, 0 नहीं हुई। अनटिल अनलेस अगर डीमोनेटाइजेशन वाले कुछ ऐसे डायनेमिक फैक्टर ना हो, तब तक मनी की वैल्यू सेम ही रहने वाली, चेंज होने वाली नहीं है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि मनी सप्लाई क्या होती है और मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। स्टे ट्यून टू योर यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो।